हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आप देख रहे हैं मोरो टॉक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आते जाए पहले पहुंच। तो बिना किसी देर के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावासाकी की निंजा 650 के बारे में, जो कि BS6 में लॉन्च कर दिया है कंपनी ने। इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है इस BS6 में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंजन के बारे में, जो कि 649cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक पैरेलल ट्विन DOHC 8-वाल्व इंजन आता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जो जनरेट करता है 68 PS की पावर 8000 RPM पे और 64 Nm का टॉर्क 6700 RPM पे। यहाँ पे इंजन का पावर वही सेम ही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही सेम है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है इसके स्पीडोमीटर में और इसके हेडलाइट यूनिट में। हेडलाइट को पूरा ही LED में दे दिया गया है, जैसे कि ZX6R हमें देखने में मिलता है। ऐसा टच दे दिया गया है, फुल्ली LED हेडलाइट। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी TFT में दे दिया गया है। इन्फॉर्मेशन वही पहले वाले ही है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुआ है स्पीडोमीटर में, पर TFT में दे दिया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस प्राइस से पॉइंट में देना भी चाहिए था। इसके साथ साथ जो रियर व्यू मिरर्स है उनके साइज़ को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है। पहले के रियर व्यू मिरर्स उतने काम के नहीं थे, थोड़े से साइज़ के छोटे थे तो दिक्कतें आती थी रियर में देखने के लिए, तो इनको थोड़ा सा सुधार लाया गया है। और इसके साथ साथ अगर टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो फ्रंट में मिल जाता है 120x70 R17 का और रियर में मिलता है 160x60 R17। यानी कि टायर जो साइज़ है वो सेम ही है। चेंज हुआ है इसका फ्यूल टैंक। पहले 16 लीटर का फ्यूल टैंक आता था, अभी 15 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया गया है। इसका कर्व वेट 196 kg का पहले भी था, अभी भी वही सेम ही है। सीट हाइट 790 mm का था, अभी भी सेम ही है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 130 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ही आती है, अभी भी वही सेम है। इसके अलावा इस बाइक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक नया कलर ऐड हुआ है जो कि वाइट कलर में है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ जो ग्रीन कलर है उसमें एक गोल्डन टच दिया गया है, जैसे कि ZX10R में हमने पहले बार देखने में मिला था, वैसे ही टच इसमें भी दिया गया है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 6,24,000 प्राइस रखी गई है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। पहले के मुकाबले लगभग 25,000 महंगी हो गई है BS6 में। पहले 5,99,000 एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से थी। तो ये कुछ थी डिटेल कावासाकी 650 के बारे में। अगर आप सुपर बाइक लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर सुपर बाइकिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो इस बाइक को लेना आप लोग के लिए सुइटेबल होगा। इस बाइक के साथ स्टार्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी पावर भी काफ़ी मैनेजेबल है और इसकी टॉर्क एंड पावर की मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टूर्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है बाइक और मेंटेनेंस भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होती है और पार्ट्स अवेलेबल भी होते हैं सारे। तो होप करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देते हैं नई वीडियो को नोटिफिकेशन आते जाए पहले पहुंच। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देन बी सेफ, राइड सेफ।